नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। और किसान भाइयों, ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए दो ढेरों की तुलना करने वाला हूं, क्योंकि इस साल हमने देखा है माल खराब काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटेड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज मंडी के अंदर एक लोट देखने को मिला है जो कि सेंटेड था। साइज क्वालिटी के मामले में तो बहुत तगड़ी साइज थी उसकी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी साइज थी, फुल गोला, एक्स्ट्रा फुल गोला, सिंगल बोम, डबल बोम तक की उसमें साइज हमें देखने को मिली थी। लेकिन जो उसका रेट मिला है वो बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाला है। अचंभित करने वाला इसलिए भी है क्योंकि साइज बड़ी है। पर्दे वगैरह को देखें तो पर्दा भी कवरिंग वाला था, पर्दे में भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसमें मेन शिकायत जो थी वो सेंटेड होने की थी, बदबू आने की थी, जिसकी वजह से वो उस साइज क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम भाव पर जो है बिका है। उसी के साथ में मैंने एक लोड आपको और बताया जो कि सेम, लगभग सेम था। केवल ये है कि सेंटेड माल का जो लोड आप देखेंगे उसमें कुछ छोटी साइजें थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी जो एक और लोड बाद में बताया वो बिल्कुल ठोस माल था, लगभग उसी साइज क्वालिटी का था, पर्दे वाला माल, सफाई वाला माल था। तो वो जो है वो काफ़ी अच्छे और ऊंचे भाव पर बिका है। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आप सभी किसान भाइयों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि अगर आपने लहसुन को काट करके भंडारण करके रख दिया है और अगर आपने अभी तक लहसुन को नहीं देखा है तो ज़रूर से जा करके अपनी भंडारण वाली जगह पर अपने लहसुन को चेक करें, 2-3-4 कट्टे खाली करें, उसमें स्मेल देखें कहीं वो सेंटेड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपका माल सेंटेड हो गया तो ना तो उसका भाव मिलेगा, ना ही आपकी मेहनत जो है वो सफल हो पाएगी। तो ज़रूर जाएं, अपने माल को जहां पर भी भंडारण किया हुआ है उसे चेक करें और इस समस्या को देखें, परखें कहीं आपके माल में भी ये समस्या तो नहीं है। आइए मैं आपको जो तुलना करी है वो बताता हूँ। वीडियो के साथ में बने रहिएगा और मेरा आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है वो कोशिश मेरी जो है सफल हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लाइक करें ना करें मेरा आपसे निवेदन है, ये जो किसानों को जागृत करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है इसको शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक किसान भाइयों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये जो जानकारी है वो पहुँच सके और वो जो है अपने माल को चेक कर लें और अगर सेंटेड हो रहा है तो उससे वो बच सके। चलिए शुरू करते हैं, दोनों ढेरों की तुलना देख लेते हैं और आपको क्या समझ में आता है, आपको वीडियो कैसा लगा मेरा आपसे निवेदन रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए, जिस अचंभे के बारे में आपको बता रहा था वो देख भी लेते हैं और उसकी कंडीशन भी समझ लेते हैं, क्योंकि माल आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि 13-14 हज़ार रुपये की कंडीशन का माल है साइज क्वालिटी के हिसाब से तो, लेकिन माल में भयंकर स्मेल है, भयंकर से भयंकर बदबू जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर हम देखेंगे, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप देखेंगे कली जो है इसकी ये इस प्रकार की हो गई है और स्मेल जो है वो बहुत तगड़ी जो है इसमें आ रही है। अब ये कली पूरी तरीके से गीली हो गई है, माल काफ़ी ज़्यादा दब रहा है, या आप देखेंगे इतना दबने की शिकायत जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो कई बार होता क्या है कि हम साइज़ वगैरह देख करके अंदाज़ा लगाते हैं कि साइज़ बहुत बढ़िया है माल का तो भाव बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से सेंटेड और ख़राब जो है हो चुका है। और इसमें जो स्मेल है, जो बदबू आ रही है वो इतनी ज़्यादा है कि ढेर से अगर हम 10 फीट दूर भी खड़े हों तो इसकी स्मेल जो है हमें आ रही है कि ये माल सेंटेड है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की कंडीशन का माल है और लगभग हर लहसुन जो है इसमें, कोई एक लहसुन आपको थोड़ा सा ठीक मिलेगा, कोई इक्का दुक्का लहसुन, बाकी तो लगभग 99% जो माल है इसमें वो पूरी तरीके से सेंटेड हो चुका है। और ये तो समय से मंडी के अंदर आ गया है, वरना समय के साथ साथ ये और भी ज़्यादा ख़राब होता जाता और कली जो है इसकी वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती। तो ये आप कंडीशन देख सकते हैं, इस कंडीशन का माल है और सेंटेड माल जो किसान भाई जानना चाह रहे थे। तो इस कंडीशन में, इस साइज़ में, इस क्वालिटी में अगर आपका माल सेंटेड है तो ये 5400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में जो है यहाँ पर मंदसौर मंडी में ये सेंटेड माल की क्वालिटी बिकी है। हर माल दब रहा है, हर एक लहसुन इसमें दब रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए किसान भाई से बातचीत करते हैं। क्या नाम भाऊ जी आपका? बगदी राम जी। थोड़ा सा ऊंचा बोलना। कौन से गांव से हैं आप? ढाबा गांव। कहाँ पे आ गया है ये? भानपुरा तहसील में। अच्छा, ये जो माल है आपका कितने बोरी है ये? करीबन 80 बोरी के लगभग। नहीं, अभी तो कम है ये। और माल आपके घर पे रखा हुआ है क्या? अच्छा अच्छा, तो ये पूरी तरीके से बदबू आ रही है इसमें, सेंटेड हो गया है? उसमें नहीं आ रही है, इसमें आ रही है। अच्छा, उसमें नहीं आ रही, इसमें आ रही है। अच्छा, क्या कारण रहा है इसका, ये इस तरीके से ख़राब होने का? कमरे में पेक रह गया है, हवा आने जाने की जगह नहीं थी। जगह नहीं। तो कौन से कट्टे में भर रखा था आपने इसको? टाट के कट्टे में। टाट कौन सा वाला? वो जो पतला वाला टाट के, वो मोटा वाला? पतला वाला। उसमें भी सेंटेड हो गया है? तो ये 5400 रुपये प्रति क्विंटल बिका आज? 5400। अच्छा अच्छा,
तो ये सेंटेड होने का कारण जो है किसान भाई से आपने जान लिया है, जहाँ बिल्कुल हवा की जगह नहीं थी वहाँ ये पूरी तरीके से जो है सेंटेड हो गया, ख़राब हो गया। और स्मेल इतनी ज़्यादा है इसमें कि आपको, अगर आप यहाँ पर होते किसान भाई जो आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर होते समझ पाते कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्मेल देखने को मिल रही है। बाकी साइजों की अगर इसमें हम बात करेंगे तो साइजें तो आपको सिंगल बोम डबल बोम तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन बिका है मात्र ये 5,400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ पर लहसुन रखा हुआ है तो एक बार अपना लहसुन जाकर के चेक ज़रूर करें, उस लहसुन को संभालें और उसमें स्मेल देखें कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सीज़न में ये पहला लोट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मंडी के अंदर मैंने काफ़ी बार ऐसे माल देखे हैं जो कि सेंटेड होना और बदबू आना शुरू हो गई है। तो आप भी अपने माल को ज़रूर चेक कीजिएगा कहीं वो सेंटेड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अगर इसमें रह जाते हैं कि माल पड़ा हुआ है कभी भी आपको भाव मिल जाएगा, और अगर इस प्रकार का सेंटेड हो गया तो आपको कोई भाव नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर मंडी लाने पर इस प्रकार की कंडीशन आपकी बनेगी। तो मेरा इस वीडियो से आपको सभी किसान भाइयों को यही समझाने का मकसद था कि अपने माल को जहाँ पर भी आपने स्टोर किया हुआ है, भंडारण किया हुआ है, उसे चेक ज़रूर करें और उसमें स्मेल देखें कहीं सेंटेड तो नहीं हो रहा है। अगर आप सभी को मेरी ये जो जानकारी दी गई है अगर ये पसंद आई हो, अगर आपको उपयोगी लगी हो, तो किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो है इसके लिए जागरूक हो पाएंगे, और अगर अपना माल कोई किसान भाई बचा पाता है तो हमें काफ़ी खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। और आइए अब एक लोट में आपको ये बताता हूँ जो कि इससे पहले जो आपने वीडियो देखा है उसमें और इसकी साइज़ में कोई ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये लोट यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो लोट ये यहाँ पर सामने पड़ा हुआ है। साइज़ अगर आप देखेंगे तो साइज़ में कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है, साइज़ें लगभग लगभग दोनों ही लोट की सेम है। इसमें थोड़ी सफाई नहीं है, उस लोट में सफाई की हुई है, लेकिन मैं आपको तुलना करने के लिए ये वीडियो बता रहा हूँ कि सेंटेड होने में और अच्छा माल होने में कितना फ़र्क है। इसमें भी बड़ी साइज़ें कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, छोटी साइज़ें इसमें भी कुछ जो है ये इस प्रकार की मिक्स आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये माल सेंटेड नहीं है, फ्रेश माल है, बढ़िया माल है, क्वालिटी वाला माल है, पर्दा फिनिशिंग शानदार देखने को जो है मिली है। यही माल है, ये बिल्कुल कोई दबने की शिकायत इसमें जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी, पूरी तरीके से ठोस कड़क माल है और ये 18,712 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिका है। साइज़ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, कोई 19 पन जो है उस वाले लोट में जो पहले सेंटेड वाला आपने देखा है वो लोट में थोड़ा सा 19 साइज़ कुछ इससे देखने को मिल रहा है, बाकी ज़्यादा भी कोई छोटा उसमें माल देखने को नहीं मिला है, लेकिन वो पूरी तरीके से सेंटेड हो गया है, दबने की शिकायत है। और ये माल जो है उसी साइज़ क्वालिटी का ये जो है 18,712 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिका है। तो किसान भाइयों, कहाँ 5400 का भाव और कहाँ 18,712 का भाव, ये क्वालिटी का फ़र्क है, क्योंकि वो सेंटेड हो चुका है, ख़राब हो रहा है और स्मेल जो है उसमें ख़तरनाक आ रही है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन था, यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ पर भी अपने आपने अपने लहसुन को जो है स्टोर किया हुआ है, रखा हुआ है, कृपया कर जाकर के आज ही इस वीडियो को देखने के बाद में ही जो है आप तुरंत जाकर के उस माल को देखें और उस माल को चेक करें कि कहीं वो भी सेंटेड तो नहीं हो रहा है, ख़राब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी पूरे साल की जो मेहनत है, जो खर्चा है, वो लहसुन में लगा हुआ है, और अगर आप किसी गलती से किसी कारणवश अगर उसको सेंटेड कर लेते हैं, या फिर आपने ऐसी जगह रख रखा है जहां पर उसमें स्मेल आ सकती है या फिर वो ख़राब हो सकता है, तो ना तो पैसा हाथ में आएगा, ना ही आपकी मेहनत जो है वो सफल हो पाएगी, पूरी मेहनत जो है व्यर्थ जाएगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने माल को ज़रूर चेक करें, और ये दोनों लोट का जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, एक वो सामने लोट पड़ा हुआ है और ये एक लोट यहाँ पर पड़ा हुआ है, इतनी ही दूरी है, माल लगभग लगभग सेम ही है, कोई थोड़ा सा उस वाले माल में जो है थोड़ा साइज़ का फ़र्क आ सकता है, इसमें बड़ी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन यह माल पूरी तरीके से ठोस है, कड़क माल है, सेंटेड बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से फ्रेश माल है। तो किसान भाई ज़रूर जो है अपने माल को चेक करें। इस लोट को जो किसान भाई लेकर के आए हैं उनसे मैं आपको मिलवा देता हूँ। क्या नाम आपका? मांजूगढ़ी तूफान सिंह। तूफान सिंह जी मांजूगढ़ी से आए हैं। कितना कैरेट लाए हैं? ये 60। अच्छा, ये माल आपने कैसे स्टोर किया था, भंडारण कैसे किया था इसका? इसको तो कट्टी में रखा था। कट्टी में रखा था। कट्टी कौन सी थी? ये आपने दूसरे जूट वाली? हाँ। के वो नीली जाली? नहीं नहीं, जूट वाली। जूट वाली। अच्छा, आपके यहाँ पे हवा का आवागमन पूरा प्रॉपर है जहाँ पे आपने स्टोर किया था? कच्चा मकान है। कच्चा मकान है, मतलब हवा तो आती जाती होगी। जैसे आपका ये जो माल है ऐसा ही माल वो सामने रखा हुआ है, वो मात्र 5400 रुपए प्रति क्विंटल बिका है, क्योंकि वो खराब हो गया है, सेंटेड हो गया है इस वजह से।
तो मैंने ये उदाहरण दिया है कि माल ये एक अच्छा है जो कि आपका 18,712 रुपए प्रति क्विंटल बिका है और एक वो माल 5400 बिका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।